लद्दाख और साउथ चाइना सी के बाद चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भूटान के खिलाफ भी मोर्चा खोलने की तैयारी में है। नेपाल में दखलंदाजी के बाद भारत और चीन के बीच भूटान में शांति चीन को रास नहीं आ रही है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का मानना है कि चीन ने सीमा पर बातचीत को अपने पक्ष में झुकाने के लिए नई चाल चली है। एलएसी पर अपने मंसूबे पूरे करने के लिए चीन भूटान पर दबाव बना रहा है। चीन ने भूटान पर दबाव बनाने के लिए राज्य के पश्चिमी और मध्य भाग में बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया है। भूटान सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है और भूटान की ओर से जमीन को लेकर किया गया कोई भी समझौता भारतीय सुरक्षा तंत्र पर बुरा प्रभाव डालेगा। संभावना है कि आगामी बातचीत से पहले अतिक्रमित क्षेत्रों और पश्चिमी भाग पर कब्जे के लिए बीजिंग पीएलए की मदद से घुसपैठ और अतिक्रमण कर सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चीन सिर्फ एलएसी और तिब्बत ही नहीं बल्कि भूटान के पश्चिमी सेक्टर में 318 स्क्वायर किलोमीटर और सेंट्रल सेक्टर में 495 स्क्वायर किलोमीटर पर दावा करता है। इस इलाके में चीन लगातार एग्रेसिव पेट्रोलिंग करके भूटान की रॉयल आर्मी को डराने की कोशिश भी करता रहता है। यह इलाका डोकलाम के पास होने के कारण भी चीन इस इलाके में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स के मुताबिक पीएलए ने नॉर्थ डोकलाम में सर्विलेंस बढ़ा दी। जून में चीन ने भूटान के साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोजेक्ट पर भी आपत्ति जाहिर की थी। चीन के अनुसार यह इलाका भी उसका ही है। अरुणाचल के नज़दीक होने के कारण इस विवाद में भारत को भी घसीटा जा सकता है, जो चीन का असल मकसद माना जा रहा है। स्वाभाविक रूप से भूटान की सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया। चीन के दावे को खारिज करते हुए थिम्पू ने यह भी साफ किया है कि यह भूटान का हिस्सा है और यह विवादित नहीं है। हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन और भूटान के बीच सीमा निर्धारित नहीं है। चीन के इन मंसूबों को लेकर भारत भी सतर्क है और इलाके को लगातार मॉनिटर कर रहा है। भारत भूटान को पहले ही आगाह कर चुका है और दोनों देश लगातार आपस में संपर्क बनाए हुए हैं। चीन के मंसूबों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।